कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदावन तुलसीदेवी केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवते नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ लगे बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 श्री श्री माधु भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात वे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला पर विष्णु पाद अष्टोत्तर सदय श्री 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 माधु भक्ति वेदांत श्रीलोक नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों स्वरूप में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को जथा के तो प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग रसगुल्ला श्रवण कर रहे थे, ये ब्रह्मांड भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को जीवन में साधु संग मिलता है, जीवन में ये साधु संग मिलता है, इसलिए साधारण व्यक्ति को ये साधु संग नहीं मिलता है। बोले किसको मिलता है, किसको मिलता है, जिन्होंने पूर्व पूर्व जन्म में करोड़ों करोड़ों जन्म तक, एक जन्म नहीं कहते करोड़ों करोड़ों जन्म तक जिन लोगों ने भक्ति उन्मुख सुकृति उपाधि में किया है, मतलब क्या है, पाप नहीं पुण्य नहीं, पाप का फल नरक को भी खत्म हो जाता है, पुण्य का फल स्वर्ग मोह जन तप सत्य लोग तक भी जा सकता है, लेकिन पुण्य खत्म होते फिर यहाँ पर गिरेगा। लेकिन तीसरी चीज है जिसको सुकृति कहते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होगा, ये कभी नष्ट नहीं होगा, केवल पर संचय हो रहा है। इसलिए मीरा कहती है ना, दीन दीन पड़त सवाय जी मैंने राम रतन धन पाए, ये भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये केवल संचय होता है। पर ये भक्ति का फल क्या है, पर भक्ति का फल है कहते संतों का संचय। अगर जीवन में संतों का संग मिल गया तो ये समझना हमें भगवत प्राप्ति के लिए और ज्यादा कोई देर नहीं। इसलिए जिस समय द्वारका में यज्ञ हो रहा था, विश्व शांति महायज्ञ, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग आए थे, गैया घी चंदन का लकड़ी बड़े धूमधाम से यज्ञ हो रहा था, इंद्राय स्वाहा कर्णाय स्वाहा, जहाँ पर कृष्ण बलदेव कृष्ण का पटरानिया देवकी वसुदेव ये सब के सब वहां पर थे, लेकिन नियम क्या है, जब तक पूर्णाहुति नहीं हो जाए बीच में यज्ञ बंद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब बीच में श्री नारद जी आ गए ना, तब वसुदेव महाराज क्या कहे, अरे बंद यज्ञ बंद करो, क्योंकि जब संत आ गए हमें संतों का दर्शन हो गया, मतलब यज्ञ का फल हमें मिल गया, यज्ञ फल मिल गया है। इसलिए सारे यज्ञ के जितने सामग्री इकट्ठे कर रहे थे वो सब के सब लेकर के नारद जी को सिंहासन में बैठाया और भगवान स्वयं जिनकी चरण धोए चरणामृत लिया और चरणामृतों को संपूर्ण द्वारका में छिड़काव करवाया, जहाँ पर कृष्ण स्वयं बलदेव स्वयं संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध साक्षात भगवान जहाँ पर है। इसलिए संतों का जल को क्या कर रहे हैं, जैसे शांति जल छिड़काव करता करवाते हैं ना, वो शांति जल रूप में छिड़काव करवाए। बोले क्यों करवाए, इसलिए हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भक्त पद धूलि आर भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष दिन यही साधन निर्भर। कहते अगर जीवन में जल्दी से जल्दी अगर कोई भगवत प्राप्त करना चाहते हैं, जो तीन चीज है जो जल्दी से जल्दी भगवान तक पहुंचा दे, भगवत चरण तक जल्दी से जल्दी मिलवा देगा। बोले वो तीन चीज क्या है,
पहला नंबर भक्तों का चरणामृत, दूसरा नंबर भक्तों का चरणतुली, तीसरा जो चीज है भक्तों का अधरामृत व उसको कथामृत। जो तीन चीज है ये भगवत प्रेम देने में सबसे जल्दी से जल्दी ये जीवों को मदद करता है। इसलिए संपूर्ण द्वारका में जल छिड़काव कर करवाए। फिर वसुदेव महाराज क्या कहते हैं, बोले दुर्लभम मनुष्य जन्मम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। देखो क्या कहते हैं, बोले एक में तो ये मानव शरीर दुर्लभ है, दुर्लभम मनुष्य जन्मम है, देहिनाम क्षण भंगुरम ये शरीरधारी के लिए, और क्षण भंगुर मतलब ये जीवन कैसे है, कहते कमल तल जल जीवन टल। जैसे कमल को पत्ते के ऊपर में पानी रखने पर किसी समय वो गिर सकता है, ये मानव जन्म वैसे करुणा याद कितना मुश्किल है। किसको पता था इतने कम उम्र में इतने जल्दी कोई चला जाएगा, किसको पता था, कितने लोग गए, कितने लोग हमसे जो कम उम्र के लोग तो चले गए, लेकिन हम क्या सोच कर बैठे हैं, तो अरे वो तो मर गया हम कभी नहीं मरे, हमसे कम उम्र के लोग चले गए, लेकिन हम क्या सोच कर बैठे हैं, हम थोड़ी मर जाएं, वो मर गया तो जगत में ना इस सबसे बड़ा आश्चर्य है, हम सामने देख रहे हैं हमसे कम उम्र वाले व्यक्ति को कंधे पर ले गए राम नाम सत्य करते करते, और उसकी में घी खोपड़ी में घी भर करके फोड़ करके उसको जला करके वापस आ गए हमसे कम उम्र में, लेकिन जीव जो भावना है अरे वो मर गया हम थोड़ी मरेंगे। इसलिए ये बड़ा आश्चर्य की जगत में ये चीजें बड़ी आश्चर्य चीजें है, ये जीव कभी भी नहीं सोचता मैं कभी मरने वाला हूँ, कभी नहीं सोचता है, बड़ा आश्चर्य चीजें। इसलिए शास्त्र कहता है भैया जितने जल्द से जल्दी हो भगवान के भजन में लग जाओ, इसमें लग जाओ और भगवान की माला जप करने में लग जाओ है, क्योंकि एक धन तो साथ में जाएगा ना, और तो कोई धन साथ में जाएगा नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी प्रभु की भजन में भक्ति में जल्दी जल्दी लग जाओ है, लग करके संसार से जल्दी जल्दी संसार से पार हो जाओ है। इसलिए कहते तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन, एक तो ये मानव शरीर दुर्लभ है, लेकिन उससे दुर्लभ क्या है, बोले संतों का दर्शन। हम सबको घर में गोपाल जी है कि नहीं, ठाकुर है कि नहीं, सब घर में ठाकुर है ना, ठाकुर अभी तो कभी बोला तुमसे प्याज लहसुन मत खाया, ठाकुर जी कभी बोले मेरे को भोग लगा कर खा, ठाकुर जी कभी कहते हैं गर्मी हो रहा है मेरा पंखा चलाओ, ठाकुर जी कभी कहते मेरे नाम जब कभी ठाकुर बोले हमसे बात करते हैं, कभी बोले बात किया कि नहीं किया नहीं ना, लेकिन ये बात वो कौन करता है, संत संत करते हैं है। इसलिए कहता अगर भगवान की किसको करने सही सही कृपा होगी ना, भगवान क्या करते हैं उनको कुछ प्यारे संतों के पास में पहुंचा जा, वहीं पर तुम्हारी कल्याण होगा, वहीं पर तुम्हारी कल्याण होगा। इसलिए शास्त्र कहता है श्री देवी भगवती वा व्यक्ति संशय अचुत रचना, जो लोग डायरेक्ट ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं कृष्ण कहते हैं वो मेरे को पाएंगे मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे भक्तों को सेवा करते हैं जो मेरे भक्त संग करते हैं ठाकुर जी कहते हैं एक दिन जरूर वो मुझे आएंगे, जरूर एक दिन मेरे पास में वो आएगा है। इसलिए कहते हैं सबसे जो दुर्लभ है भगवत दर्शन से भी, इसलिए पहले हमने सुना है ना कपिल देव, भगवान घर में कपिल देव बैठे हैं, लेकिन उनको पिताजी गर्दन में ऋषि भगवान को छोड़ करके जंगल में भजन करने के लिए, घर में भगवान घर में लेकिन भगवान को छोड़कर जंगल जाते आ रहे, बोले भैया जब तुम्हारे घर में ठाकुर की है तो ये जंगल में घर क्यों जा रहे हो भजन के लिए, कारण क्या, बोले जब तक साधन नहीं करेंगे ना भगवत प्राप्त होने वाले नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते बड़े भाग्य से कहीं जीवों को भगवत दर्शन भक्तों दर्शन जीवन में भक्त दर्शन पड़े, भाग्यवान व्यक्ति को भक्त दर्शन होता है। लेकिन भक्त फिर क्या करते हैं, हमें जो गोपाल मंत्र दिया कृष्ण नाम दिया ये क्या है, कहते हैं बीज हमारे हृदय में उन्होंने बीज को बो दिया, लेकिन बीज को बो दिया अभी क्या करना, श्रवण कीर्तन उसमें पानी देना, पानी देना मतलब साधु संकल्प,
साधु संग करो हैं। आप बोलेगा रोज रोज साधु संग करने का क्या जरूरत है, कभी कभी कर लिया हो गया। तो उदाहरण देते हैं, आप देखना घर में एक दिन अगर झाड़ू बुहारी नहीं लगाओगे, एक दिन घर में झाड़ू बुहारी नहीं लगाओगे, बताओ क्या गंदा जाएगा ना। अगर हम एक दिन स्नान न करें, एक दिन स्नान न करें, तेज कर लिया अच्छा लगेगा, एक दिन कपड़ा नहीं बदला है, जो सोए हुए रात को उसी कपड़े से दिन भर रहे स्नान नहीं करे, बता कैसे लगे, कैसे लगे, अच्छा लगे, अच्छा लगेगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर नित्य श्रवण कीर्तन चले करें, क्या करो नित्य साधु संग करनी चाहिए है, नित्य भक्तों की संग करनी चाहिए, करोगे तो फिर भक्ति की भावना नहीं तो धीरे 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 घट जाएगी, धीरे धीरे घटती जाएगी, इसलिए करनी चाहिए। लेकिन कल हम लोग सुन रहे थे ये बात तो सही है, लेकिन जब भक्ति करते हैं ना कदम बीच में जैसे खेती है, कभी कभी कोई मत वाला जो हाथी है ना वो कभी बाद में प्रवेश कर जाता है, वो क्या करता है वो पूरा लता समेत वृक्ष समेत पकड़ कर उखाड़ देता है, वो क्या है वैष्णव अपराध, वो क्या है वैष्णव अपराध है, वैष्णव अपराध है, कति बड़े खतरा है। इसलिए क्या करनी चाहिए, कभी इसकी निंदा चर्चा नहीं करते हुए भगवान के भजन करते रहो। जो हमारी आप बोलोगे तो आप हमारी निंदा करता है, आप बोलोगे ना वो हमारी निंदा क्यों करता है भैया, वो निंदा करता मतलब क्या है, एक उदाहरण देते हैं, जैसे बच्चा कभी पार्टी में साफ कर देता है, माँ क्या करती है साफ करती है, साफ हाथों से साफ करती है, हाथों से साफ कर लेती है, लेकिन जो हमारी निंदा चर्चा करता है ना वो हाथ से नहीं जीवा से वो चाट चाट कर हमारी गंदगी को साफ करता है, समझ रहे कि नहीं। चलो माँ तो हाथ से बच्चे का टाटी पेशाब को ये करता है धोता है, लेकिन जो हमारी निंदा चर्चा करेगी अगर करेगी तो क्या करेगा, वो जीवा से हमारे शरीर में जो मल मूत्र है वो जीवा से चाट चाट करके हमारे शरीर की गंदगी को दूर करता है। इसलिए कभी भी इसलिए कहते हैं कहार ना कर निंदा, जो कभी किसके निंदा नहीं करते हैं, हर समय भगवान के नाम करते हैं भजन करते हैं, फिर क्या होगा भगवान जल्दी से जल्दी उसको उद्धार कर लेते हैं, जल्दी जल्दी उसको उद्धार कर लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसके निंदा चर्चा नहीं करते हुए क्या करो भगवान की नाम और भगवान की भजन करते रहो। वो जो अजय चैतन्य मतलब जो चैतन्य महाप्रभु जय करना बड़ा कठिन, ऐसे अगर कोई भक्ति करेगा तो भगवान जल्दी जल्दी उसको उद्धार कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कहते किंतु यदि लतार संग उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति बांधा जत असंख्याति लेखा। पहला तो हो गया क्या करते माली जत्न करी परे आवरण अपराध अस्थिर जैसे ना है उत्तम। इसलिए जो माली वो क्या करता है, जैसे कोई लता लगाया कोई वृक्ष लगाया बेड़ा लगा देते ना, कांटा के बेड़ा लगा देते हैं, कोई बकरी गई आकर के खा करके नष्ट करने कर दे, बोले भैया ये क्या है, यदि ये क्या है, बोले ये जितने हैं हैं कति ये सब जितने हैं जो बाड़ लगाना मतलब होता है हैं, जैसे बकरी गैया नहीं खा ले बाड़ लगाना उसको सुरक्षित रखना मतलब असत संग से दूर रहना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कितना सत संग स्वर्ग असत संग सर्वनाश, कितना संग ही मूल है। किसी शराब को साथ दो चार दिन बैठो बोले भैया एक फुट पी ले, आप बोलेंगे नहीं हमारे घर में कोई पीता नहीं, बोले रोज थोड़ी पीते हो, आज शादी का समय एक घोट पी लेना, रोज थोड़ी पीता हूँ, देखना पीते पीते पहले तो अपना पकड़ से पिलाएगा, जब आदत बन जाएगा बोले निकाल तू भी मांग निकाल तू भी मांग निकालो, आप देखना जैसे संगत में बैठोगे ना धीरे 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 उसका रंग तुम्हारे ऊपर में धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो जाएगा है। इसलिए हर शास्त्र क्या कहता है साधु संग साधु संग, सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है, हर शास्त्र कहता है संतों का संग करो संतों का संग करो, हर शास्त्र कहता है, क्योंकि जिसको साथ में बैठोगे ना हाँ जिसको साथ में तो बैठोगे ना उसका रंग भी धीरे 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 चढ़ेगा। अगर आप हरिनाम कोई संत हरिनाम करते हैं अगर आप इधर उधर की बात करोगे तो गए
क्यों इधर उधर की बात करते हो, समय को क्यों गवा दो, हरिनाम करो ना, ठाकुर को कथा सुना हरिनाम करो है। लेकिन अगर उल्टा पुल्टा संगत में बैठोगे तो क्या होगा, घर को जैसे करेगा वैसे ले जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया लता को चारों तरफ में पाठ लगा दो, जैसे कोई असत व्यक्ति का संग नहीं हो। इसलिए श्री रूप गोस्वामी उनकी उपदेशा मृतक ग्रंथ में कहते हैं बोले अत्याहार प्रयास प्रजल को नियम ग्रह जना संग भक्ति विनष्टी। बोले जो छह चीज ये भक्ति को नष्ट करने वाले, बोले वो छह चीज क्या है जो भक्ति को नष्ट करने वाले। पहला नंबर है अत्याहार। अत्याहार मतलब प्रयोजन से ज्यादा वस्तुओं को संग्रह करना, इसको कहते हैं अत्याहार। ये शरीर रक्षा करने के लिए जितने वस्तु की जरूरत उतना वस्तु को संग्रह करो, अपना रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, जितने वस्तु जरूरत उसको संग्रह करने का जरूरत है जरूरत है। अगर उसके लिए ज्यादा संग्रह करोगे फिर सोचोगे भैया कहाँ रखूँ, कैसे रखूँ, इसको हम कैसे संभालें, उसके लिए समय ज्यादा जाएगा, समय ज्यादा जाएगा। उसके लिए गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव एक अच्छी बात कहते थे, बोले देखो जैसे जीवन में बहुत सारे संग्रह को तुमने एकत्र किया, अच्छे तरह समझ लो, बहुत सारे चीज को हमने एकत्र किए, लेकिन जब शरीर छोड़ा उसको छोड़ करके जाओगे कि नहीं, छोड़ करके जाओगे। अभी तक तुमने जो एकत्र किए हो, जिस चीज को छोड़ करके गए हो, उसी के लिए तुमने जो समय लगाया वो समय बर्बाद किया कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। बहुत सारी चीज को हमने एकत्र कर गए लेकिन मरते समय सब छोड़ कर गए। जब ये वस्तु को छोड़ कर गए उसके लिए जो समय तुमने लगाया वो समय बर्बाद गया कि नहीं, गया है ना। इसलिए गुरु जी कहा करते देखो समय लगाना तो प्रभु के नाम में समय लगाओ, हरिनाम करने में, प्रभु की भक्ति करने में समय लगाओ, क्योंकि ये तुम्हारे साथ में जाएगा, ये तुम्हारे साथ में जाएगा। लोग कहते ना पुत्र के लिए कमा कर रखो, गुरुदेव कहते भैया पुत्र हो बहुना होगा तो वो कमाएगा, अगर नालायक होगा तो जो जितना कमा करके जा रहे हो सबके सब बिगाड़ देगा। इसलिए गुरुदेव कहते अत्याहार मतलब शरीर निर्वाह के लिए, जीविका निर्वाह के लिए जितना जरूरत है उसको कमाओ, और जो एक्स्ट्रा समय को गुरुदेव कहते भगवान की भजन में, भगवान की भक्ति में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगानी चाहिए अत्याहार। बोले दूसरा नंबर क्या, बोले प्रयास मतलब है हाँ चेष्टा करना अच्छी बात है, चेष्टा करना अच्छी बात, किसके लिए चेष्टा करो, किसके लिए चेष्टा करनी चाहिए, जो काम करने पर हमारी भक्ति बढ़ेगी उसके लिए चेष्टा करो, जो काम करने पर भक्ति बढ़ेगी नहीं उसके लिए चेष्टा मत किया, उसके लिए चेष्टा मत किया करो। अत्याहार प्रयास प्रज्वल को तीसरा नंबर में, प्रज्वल का मतलब होता है बोले भगवान की कथा को छोड़ करके जगत में जितने कथा सब प्रज्वल है, सबके सब प्रज्वल है। कथा बोलो, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे भक्तों का क्या लक्षण है, कहते मेरे भक्तों का लक्षण है मत कथा मत गथा चिंता बधयते परस्परम कथयंती च माम नित्यम तुष्यन्ति चरम अन्ति च। भगवान कहते मेरे भक्तों का जो लक्षण है क्या लक्षण है, कहते मत कथा वो हर समय मेरी कथा बोलते, मत गथा चिंता किसकी चिंतन करते, मेरी चिंतन करते हैं, बधयते परस्परम आपस आपस में जो चर्चा करते